हेलो एवरीवन, आई एम राजू मौर्य। टुडे डिस्कस अबाउट चैप्टर नंबर सेकंड, कंप्यूटर एप्लीकेशंस क्लास 9। चैप्टर नेम इज टाइप्स ऑफ हार्डवेयर। सो इन दिस चैप्टर लर्न इंट्रोडक्शन, कंप्यूटर सिस्टम एंड ओवरव्यू, मेमोरी इन अ कंप्यूटर सिस्टम, इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस। सो लेट अस स्टार्ट टॉपिक फर्स्ट, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, अ कंप्यूटर सिस्टम कैन नॉट वर्क अनलेस इट्स हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर वर्क इन टेंडम। मीन्स दैट कि कंप्यूटर सिस्टम बिना हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के वर्क नहीं करता। अगर हम सिंपल सा आपको एक कंप्यूटर दे दें और उसमें सॉफ्टवेयर ना दें तो वो वर्क नहीं करेगा, और हार्डवेयर ना हो तो सॉफ्टवेयर का यूज ही नहीं है फिर। तो कंप्यूटर बेसिकली टू पार्ट से बना हुआ है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। जब दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पे मिलता है तभी जाके हमारा कंप्यूटर वर्क करता है। नेक्स्ट टॉपिक है कंप्यूटर सिस्टम एंड ओवरव्यू, कि पूरा का पूरा हम कंप्यूटर के सिस्टम को यहाँ जानते हैं कि हमारा पूरा का पूरा कंप्यूटर सिस्टम कैसे वर्क करता है। सो कंप्यूटर सिस्टम एंड ओवरव्यू में फर्स्ट हमारा सीपीयू, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। देन मेमोरी, देन इनपुट डिवाइस, देन आउटपुट डिवाइस। तो ये बेसिकली हमारे कंप्यूटर सिस्टम में इतने हार्डवेयर डिवाइस अवेलेबल होते हैं जिसके थ्रू हम लोग पूरे के पूरे वर्क को करते हैं। तो अब यहाँ पे एक ग्राफ हमने यहाँ पे दिया हुआ है, इस ग्राफ के माध्यम से हम लोग समझते हैं कंप्यूटर। देयर आर टू टाइप्स, एक वर्क विथ और सेकेंड वन। यहाँ पे टाइप्स दिया हुआ कि कंप्यूटर के कितने टाइप्स होते हैं, यहाँ पे डिजिटल, एनालॉग एंड हाइब्रिड। इसके बारे में हम लोग तो आगे चल के पढ़ेंगे, अभी हम लोग को पढ़ना है इसके हार्डवेयर डिवाइसेस के बारे में। सो कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइसेस ये है, और बेसिकली कंप्यूटर टू पार्ट से बना है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, जिसके बारे में अभी जस्ट आपको बताया। और इस चैप्टर में हम लोगों को हार्डवेयर के बारे में पढ़ना है। तो हार्डवेयर में अगर आप इस स्ट्रक्चर को पूरा देखेंगे आपको पूरा कंप्लीट इस चैप्टर का पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे समझ हुआ है, मतलब यहाँ पे बताया गया कि इस पूरे चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है। तो यहाँ पे हमको बताया गया सीपीयू, मेमोरी, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, जैसे कि हम लोग ओवरव्यू में हम लोगों ने देखा है, ठीक है। अब सीपीयू की बात करें तो सीपीयू में बेसिकली हमारे पास काम क्या होता है कि वहां से ही पूरे के पूरे कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस, एक तरह से कह सकते हैं पूरे कंप्यूटर सिस्टम को हम कंट्रोल करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको और भी बातें बताई गई हैं कि मेमोरी के बारे में, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी देयर आर टू टाइप्स, रैम एंड रोम। सेकेंडरी मेमोरी मेनी टाइप्स, हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, एडीसी, ठीक है। नेक्स्ट वन है मेमोरी। मेमोरी होता क्या, दैट कैन होल्ड डेटा, जहां पे हम कुछ डेटा को रख सकते हैं, वो हमारा मेमोरी कहलाता है। नेक्स्ट वन इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस मीन्स दैट कि एक ऐसा डिवाइस जहां से हम कंप्यूटर सिस्टम को इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो हमारा इनपुट डिवाइस होता है। तो इंस्ट्रक्शंस देने के लिए हम लोग कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, इसके अलावा बहुत सारे हमारे पास डिवाइसेस है जिसका हम लोग यूटिलाइज करते हैं। देन अब हमने इंस्ट्रक्शन दे दिया आफ्टर प्रोसेसिंग, वो क्या किया, आउटपुट डिवाइस जाता है। तो आउटपुट डिवाइस हमारे इंस्ट्रक्शंस जो हम लोग इनपुट दिए तो उसके अकॉर्डिंग वर्क करता है कि वो किस टाइप का उसको इनपुट मिला है तो वो कैसे आउटपुट जनरेट करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर है ना, इतने सारे हमारे पास आउटपुट डिवाइस हैं। अब चलिए हम लोग वन बाय वन ऐसे आउटपुट डिवाइसेस के बारे में जानते हैं। अब पहला हमारा टॉपिक मेमोरी इन अ कंप्यूटर सिस्टम, मेमोरी इन अ कंप्यूटर सिस्टम। सीपीयू नीड टू हैव सम प्लेस वेयर इट कैन होल्ड इंस्ट्रक्शन एंड डेटा ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। मतलब कि सीपीयू के पास जो भी कुछ इंस्ट्रक्शन दिया जाता है वो तब तक के लिए डेटा को होल्ड करता है जब तक कि उसकी प्रोसेसिंग हो रही होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे मेमोरी की जरूरत पड़ी, क्यों, क्योंकि यहां पे डेटा होल्ड कर रहा है। दूसरा, एंड वंस प्रोसेसिंग इज ओवर इट नीड अ प्लेस वेयर इट कैन स्टोर द रिजल्ट परमानेंटली। तो
जब हमारा प्रोसेसिंग हो गया, फिर अगर हमको जरूरत है कि नहीं हमारे उस डेटा को सेव करने की जरूरत है, तब हमको फिर से एक स्टोरेज डिवाइस की जरूरत पड़ेगी या परमानेंट स्टोरेज की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में हमारे जो होती है टू टाइप्स ऑफ मेमोरीज होती है, इस कंडीशन में हमको दो तरह की मेमोरी की जरूरत होती है, ठीक है। तो उसी दो तरह की पहली में हम लोग बात करते हैं प्राइमरी, और मेन और इंटरनल मेमोरी, दी मेमोरी दैट होल्ड डेटा एंड इंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, इट इज अ टेम्पररी मेमोरी। मतलब कि ये एक ऐसी मेमोरी होती है, ये इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं, मेन मेमोरी भी कहते हैं और प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। ये एक ऐसी मेमोरी होती है जो कि प्रोसेसिंग के दौरान डेटा को होल्ड करता है, इसको हम लोग टेम्पररी मेमोरी भी कहते हैं। नेक्स्ट वन है एक्सिलरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी। दैट मेमोरी कैन स्टोर डेटा फाइल फॉर अ लेटर यूज परमानेंटली। मतलब कि जब प्रोसेसिंग के बाद हमको डेटा को स्टोर करने की जरूरत होती है परमानेंट, तो उस समय हमको सेकेंडरी मेमोरी, इंटरनल मेमोरी सॉरी एक्सटर्नल मेमोरी और एक्सिलरी मेमोरी की जरूरत होती है, ठीक है। आई थिंक आपको ये अब मेमोरी क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं यूनिट ऑफ मेमोरी। कंप्यूटर स्टोर एंड प्रोसेस डेटा इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ नंबर। अ बाइनरी नंबर इज आइदर 0 एंड 1 एंड इज नोन एज बिट, व्हिच इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ बाइनरी डिजिट। आज की अमेरिकन स्टैंडर्ड इनफॉर्म फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ASCII का फुल फॉर्म होता है। इनकोडिंग स्कीम रिप्रेजेंट अ करेक्टर एज अ ग्रुप ऑफ 8 बिट आर अ बाइट। यूनिकोड इनकोडिंग स्कीम रिप्रेजेंट अ करेक्टर एज अ ग्रुप ऑफ 16 बिट और 2 बाइट। अब बात यहाँ पे ये आते हैं मेमोरी यूनिट, मतलब कि अगर हमारा डेटा कहीं जाके स्टोर हो रहा है तो वो कहीं ना कोई स्पेस कंज्यूम कर रहा है। अब जब स्पेस कंज्यूम कर रहा है तो वहां पे हमको स्पेस की जरूरत होगी, और उसी को हम लोग बोलते हैं यूनिट, कि वो कितना स्पेस कंज्यूम कर रहा है, तो मतलब वो कितने यूनिट का डेटा है, ठीक है। तो हमारा डेटा जो भी स्टोर होता है वो दो फॉर्मेट में, नंबर फॉर्मेट में होता है। नंबर मीन्स दैट व्हाट मीन्स दैट, ये नहीं कि 1 2 3 4 5 6 7 एस एज यू नो ना, ऐसा नहीं कुछ। नंबर मीन्स 0 एंड 1। मैं अब हमारा डेटा जो भी कुछ स्टोर होता है वो सिर्फ और सिर्फ बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर होता है, और इसी 0 एंड 1 को हम लोग बाइनरी डिजिट बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज के बारे में बताया गया कि ये एक फुल फॉर्म है, एक ये करेक्टर सेट है, जो कि जो ऐसे करेक्टर सेट में अवेलेबल होते हैं, जो करेक्टर सेट का ग्रुप होता है वो 8 बिट का होता है। और अगला हमारा है ना यूनिकोड है, यूनिकोड हमारा इसी का जस्ट डबल होता है। तो 8 बिट इक्वल टू हम यहाँ पे 1 बाइट बोलते हैं और 16 बिट इक्वल टू 2 बाइट बोलते हैं, ठीक है। अब एक सिंपल से एक एग्जांपल आपको बताते हैं। कीबोर्ड से हम कोई भी करेक्टर एक प्रेस करते हैं, ठीक है, कोई भी लेटर एक करेक्टर प्रेस करते हैं, वो कंज्यूम करता 1 बिट। कितना स्टोरेज कंज्यूम करता 1 बिट। आगे चल के हम इसको आपको डिटेल में दिखाते हैं। ये देखिए एक मैंने यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। इस ग्राफ से आप ये समझ सकते हैं, अभी मैंने जस्ट बोला कि अगर हम कोई सिंगल एक की प्रेस करते हैं कीबोर्ड से तो वो 1 बिट कंज्यूम करता है। अब यहीं पे हमने यहाँ पे शॉर्ट नेम, फुल नेम और इसकी यूनिट को पूरा डिटेल में बताया हुआ, आप इसको देख लीजिए। 8 बिट वो 1 बाइट होती है, फिर 1024 बाइट इक्वल टू 1 KB होता है, 1024 KB इक्वल टू 1 MB होता है, 1024 MB इक्वल टू 1 GB होता है। इसी तरह से आपका TB, PB एंड EB तक हमारा डेटा अवेलेबल होता है। आई थिंक आपको अब ये सारी बातें क्लियर हो गई। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं, प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी। ऑल कंप्यूटर हैव मेन इंटरनल मेमोरी टू स्टोर प्रोग्राम एंड डेटा व्हाइल कंप्यूटिंग कंप्यूटर इज रनिंग। द मेन मेमोरी ऑल्सो हैज टू सब टाइप, ठीक है। कह
कहने का सेंस ये है कि जितने भी सारे कंप्यूटर सिस्टम हैं उनमें मेमोरी हमारे प्रोग्राम को रनिंग के ड्यूरेशन को डेटा को स्टोर करने के लिए हेल्प करता है। इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी। और ये दो टाइप की होती है, पहला होता है रीड ओनली मेमोरी और दूसरा होता है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रीड ओनली मेमोरी वो उस टाइप की मेमोरी होती है जो कि फिक्स मेमोरी होती है ना। यहाँ पे डेफिनेशन में भी देखो दिया हुआ, इंफॉर्मेशन वंस रिमेन्स फिक्स इट कैन नॉट चेंज। रोम कैन ओनली बी रीड, रोम कंटेन अ सेट ऑफ स्टार्ट अप इंस्ट्रक्शंस व्हाट टू डू व्हेन अ कंप्यूटर इज टर्न ऑन। कहने का सेंस ये हुआ कि ये हमारी फिक्स मेमोरी होती है, इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। इसमें जो भी कुछ डेटा होती है उसको सिर्फ रीड किया जा सकता है, राइट नहीं किया जा सकता। और बेसिकली रैम की जरूरत तब होती है जब हमारा कंप्यूटर सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। तो उस समय कंप्यूटर सिस्टम को स्टार्ट होने के लिए बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस की जरूरत होती है, तो वो सारे इंस्ट्रक्शंस रैम में स्टोर होते हैं और उसी से वो रीड करता है। रीड होने के बाद हमारा कंप्यूटर सिस्टम ऑन हो जाता है। नेक्स्ट वन है रैंडम एक्सेस। द इंटरनल मेमोरी दैट कैन बी रीड फ्रॉम एज वेल एज रिटन इज कॉल्ड रैम। टू रैंडम एक्सेस मेमोरी इज वोलेटाइल, इट्स कंटेंट आर लॉस्ट व्हेन पावर इज टर्न ऑफ। तो ये भी हमारा इंटरनल है इंटरनल मेमोरी, लेकिन यहां पे हम लोग रीड एंड राइट दोनों कर सकते हैं डेटा के साथ में। ठीक है, कहने का सेंस ये कि हमने कोई इंस्ट्रक्शन दिया, वो रैम के पास गया, वहां से तब तक उसके पास डेटा स्टोर रहा। मैंने एक एग्जांपल, ऐसा होता नहीं है, मैं सिर्फ एक एग्जांपल समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बस आप इसकी बात को ध्यान रखिए कि हमने कोई एप्लीकेशन ऑन किया तो उस समय उसके मेमोरी में उसके सारे इंफॉर्मेशन आ गए। ठीक है, अब उसको उसका इंफॉर्मेशन को राइट कर लिया, उसी समय रीड भी करा, हम जो भी कुछ डेटा को इंटर एक्सचेंज कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं वो सारा का सारा वहीं से एक्सेस होता है। लेकिन जैसे हमारा कंप्यूटर सिस्टम ऑफ हो जाएगा तो उस समय उसके मेमोरी में उसके दिमाग में जितने भी सारे एप्लीकेशन होंगे सबके सब इरेज हो जाएंगे। हमने जो भी डेटा सेव किया था वो सारा का सारा डेटा इरेज हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये सारी बात क्लियर हो गई होंगी। आगे हम लोग बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ रैम। लिमिटेशन इस रैम की भी अपनी एक लिमिटेशन होती है, मीन्स दैट कि जैसे कि अभी हम आपको बताए कि रोम एंड रैम। ठीक है, रोम बहुत इसकी शॉर्ट स्टोरेज कैपेसिटी होती है, लेकिन रैम की ज्यादा होती है, 1 GB, 2 GB, 3 GB, 4 GB, आजकल तो 16 GB तक भी आ रही है। तो कहने से ये है कि जितना भी हमने यहाँ पे रैम लगाया वो तो एक कैपेसिटी है ना, लिमिटेड है ना, कि हाँ उससे ज्यादा की इसकी कैपेसिटी नहीं हो सकती। अगर मैंने कहा 2 GB मेरे लैपटॉप में रैम लगा हुआ है तो इसकी कैपेसिटी 2 GB की, और 2 GB से ज्यादा हम यहाँ पे इनको यूज नहीं कर पाएंगे। और नेक्स्ट वन एक टॉपिक और भी यूज है, वोलाटाइल नेचर। वोलाटाइल नेचर का मतलब ही यही होता है कि हमारा कंप्यूटर सिस्टम जब तक ऑन है तब तक इसके पास वो सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है जो यहाँ पे हमने स्टोर कराया हुआ था, लेकिन जैसे ही हमारा कंप्यूटर सिस्टम ऑफ हुआ वो सारा डेटा इरेज हो गया है ना। तो ये जो कंडीशन है इसी को हम लोग बोलते हैं वोलाटाइल इन नेचर। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। तो रैम एंड रोम यहाँ पे आपको पूरा बताया गया है, इसका फुल नेम, तो फुल नेम दोनों लोगों का बताया गया है। अब हम लोग बात कर रहे हैं डेफिनेशन की। रैम इज अ फॉर्म ऑफ डेटा स्टोरेज दैट कैन बी एक्सेस रैंडमली एट एनी टाइम इन एनी ऑर्डर बाय सीपीयू। कहने का सेंस ये है कि रैम में डेटा स्टोर होता है जैसा कि सीपीयू किसी भी कंडीशन में जो भी रैंडमली उसके पास डेटा एक्सेस करने के लिए दे देता है वो उसके पास उसी सिक्वेंस में एड हो जाते हैं। लेकिन यहीं पे अगर रोम की बात करें, रोम इज ऑल्सो फॉर्म डेटा स्टोरेज दैट कैन जनरली स्टोर हार्डवेयर इंस्ट्रक्शन। तो इनके पास ऐसा कोई डेटा स्टोर नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ इनके पास वो डेटा स्टोर होता है जो कि हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शंस या उसको ऑन होने में या उसके सर्किट से रिलेटेड ही उनके पास इंस्ट्रक्शन उससे उससे ज्यादा नहीं होती। नेक्स्ट वन है अल्टरेशंस। रैम कंटेंट्स कैन चेंज और अल्टरेट एज व्हेन रिक्वायर्ड, रोम कैन नॉट इजली अल्टरेट और
रीप्रोग्राम। कहने का सेंस ये कि रैम में हम जो भी, हमको जब भी कैसे भी कंटेंट हो, जैसे भी रिक्वायरमेंट हो, उसके साथ में हम उसको चेंज कर लेते हैं। मतलब कि अभी हम वर्ड यूज कर रहे थे, अभी पावर पॉइंट यूज करने लगे, अभी एक्सेल यूज करें, तो हमारे टर्म एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग वो सारी चीजें चेंज होती है। लेकिन रोम में ऐसा कुछ नहीं होता। रोम को एक बार जो प्रोग्राम कर दिया गया, उसको हम फिर से बहुत आसानी से उसको रिचेंज नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट वन यूज रैम अलाउ टू कंप्यूटर टू रीड डेटा क्विकली टू रन एप्लीकेशन। के रैम अलाउ करता है किसी भी डेटा को बहुत जल्दी से रीड करने में और उस एप्लीकेशंस को रन करने में। लेकिन रोम में ऐसी कोई बात नहीं होती। रोम और सिर्फ कंप्यूटर को बूट एंड रीबूट कराने में हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि उसके पास उसी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन होती है, इसके अलावा उसके पास कुछ नहीं होती। ऑपरेशन सपोर्टेड ये रीड एंड राइट दोनों करते हैं, ठीक है, और ये सिर्फ और सिर्फ रीडिंग करते हैं। वोलाटाइल, सो रैम वोलाटाइल है। वोलाटाइल के लिए मैंने आपको बताया कि ये टर्न ऑफ होने के बाद यहां से डेटा लॉस हो जाता है। लेकिन रोम के साथ ऐसा नहीं होता। वो नॉन वोलाटाइल, मतलब नॉन वोलाटाइल मतलब ये कि जो एक बार स्टोर हो गया सो स्टोर हो गया, है ना, वो इरेज नहीं होगा। साइज, रोम की अपेक्षा रैम की साइज बड़ी होती है। रोम में हमेशा एमबी में उसकी साइज होती है और यहाँ पे जीबी में साइज होती है। और स्पीड, तो स्पीड रोम की अपेक्षा रैम फास्टर है, ठीक है, रोम स्लोअर है। ठीक है, आई होप कि यहां से आपको डिफरेंस पूरी तरह से क्लियर हो गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग है कंप्यूटर्स परफॉर्मेंस। अब बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि यार मेरा लैपटॉप स्लो वर्क कर रहा है, मेरा डेस्कटॉप स्लो वर्क कर रहा है, मेरा मोबाइल फोन हैंग कर रहा है। तो उसकी भी आप सारे लोगों को पता है, हम सारे लोगों को पता है कि चाहे ह्यूमन बींग हो चाहे मशीन हो, सारे लोगों की एक कैपेसिटी होती है। उस कैपेसिटी के अनुसार अगर हम वर्क करेंगे तो हम आसानी से कर पाएंगे। लेकिन हमारी जो कैपेसिटी है, अगर उससे ओवर हम कोई भी चीज करेंगे तो हम लोग भी हैंग हो जाएंगे, मतलब रुक जाएंगे, मतलब थक जाएंगे, मतलब गिर जाएंगे, जो भी कुछ कह सकते हैं। तो उसी तरह से हमारे कंप्यूटर सिस्टम की भी यही प्रॉब्लम होती है कि उनकी जो कैपेसिटी है उसके अनुसार आप यूज करोगे तो वो अच्छे से वर्क करेगा, अदरवाइज हैंग करेगा। लेकिन यहाँ पे कुछ एक ऐसे चीजें भी हैं जिनको हम लोग यूज करके अपने कंप्यूटर सिस्टम को और भी बेहतर परफॉर्मेंस ले सकते हैं। जैसे पहला है सीपीयू स्पीड। सो वंस टू एम्प्रूव कंप्यूटर परफॉर्मेंस माइट बी टू अपग्रेड योर सीपीयू टू फास्टर वन, स्पेशली इफ यू हैव अ फेयरली स्लो ओल्ड मशीन, है ना। कहने का सच ये है कि आप अपने कंप्यूटर सिस्टम के सीपीयू को अपग्रेड करके उसके परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे अगर हम मेरी बात करें तो ये थोड़ा सा टिपिकल होगा, क्योंकि अब सीपीयू को चेंज करना, उस चिप को चेंज करना थोड़ा सा प्रॉब्लम जनरेट होगा। प्रॉब्लम ये कि फाइनेंशियली वो ज्यादा महंगा आता है, ठीक है। लेकिन यहां से हम चेंज करके, अपने पुराने मशीन से चेंज करके उसको हम लोग देख सकते हैं, मतलब उसकी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट वन है मेमोरी साइज। इफ यू वॉन्ट टू इम्प्रूव योर कंप्यूटर परफॉर्मेंस एंड यू ओनली हैव अ स्मॉल अमाउंट ऑफ रैम सच एज 512 MB एंड ओवर 1 GB, यू कुड एड एक्स्ट्रा रैम चिप। कहने का सेंस ये है कि हमारे लैपटॉप डेस्कटॉप सब में जितने भी रैम लगे हुए हैं उसमें एक स्लॉट अदर से भी आता है, एक्स्ट्रा स्लॉट आता है। अगर एक एग्जांपल समझते हैं कि अगर हमारे लैपटॉप में 1 GB रैम लगा हुआ तो एक स्लॉट फ्री रहता है, वहां पे आप 1 GB अलग से एक्स्ट्रा रैम खरीद करके उसमें ऐड कर लेंगे तो हमारे कंप्यूटर सिस्टम की स्पीड बढ़ जाएगी। और तीसरा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, नंबर ऑफ एप्लीकेशन। नंबर ऑफ एप्लीकेशन मीन्स दैट कि हम कम से कम एप्लीकेशन यूज करें जो हमें जरूरत हो हमारे कंप्यूटर सिस्टम पे। हमें क्या होता है कि हम लोग अपने मोबाइल फोन में, अपने लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे बहुत सारे एप्लीकेशन इंस्टॉल किए होते हैं जिनकी हमको जरूरत नहीं थी, हम कभी यूज किए फिर छोड़ दिया, है ना। तो छोड़ दिया तो वो क्या करेगा कि उतनी साइज कंज्यूम करेगा, जब भी कंप्यूटर सिस्टम ऑन होगा तो हमारा रैम, हमारी जो भी मेमोरी है वो उसको भी तो रीड करेगी, उसकी भी इंफॉर्मेशन तो वो एक्सेस करेगा, रखे रहेगा, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए कि हम आप
कम से कम एप्लीकेशंस को यूज करें, या अगर वो एप्लीकेशन हमारे अब यूज के लायक नहीं है या हम उसको यूज नहीं करना चाहते तो हमको वहां से हटा देना चाहिए। और दूसरी चीज कि एक बार में एक ही एप्लीकेशंस को यूज करिए, फिर जब वो हो जाए तब अगला एप्लीकेशन आप ओपन करिए। इससे क्या होगा, हमारे कंप्यूटर सिस्टम की स्पीड प्रॉपर एकदम बनी रहेगी। ओके, सो ये कुछ प्रिकॉशंस हैं जिसको हम लोग यूज करके अपने कंप्यूटर सिस्टम और मोबाइल फोन तक को भी उसकी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्टोरेज डिवाइस की। अभी तक हम लोग स्टोरेज डिवाइस में मेमोरी की बात कर रहे थे, तो प्राइमरी मेमोरी, अब ये हम लोग स्टोरेज डिवाइस मींस दैट सेकेंडरी मेमोरी की बात कर रहे हैं। तो सेकेंडरी मेमोरी हमारी परमानेंट स्टोरेज होती है जिसमें हम कोई से भी डेटा स्टोर कर सकते हैं और वो कभी भी चाहे हमारा सिस्टम ऑफ हो ऑन उसे कोई मतलब नहीं, वो डेटा कंटिन्यू स्टोर रहेगा जब तक कि हम उसे वहां से डिलीट ना करें। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइस हम लोगों ने ग्राफ में भी देखा था, अब यहाँ पे देखते हैं पहला फ्लॉपी डिस्क। द फ्लॉपी डिस्क वन ऑफ द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइसेस दैट कुड स्टोर इन टू, सॉरी यहाँ अन टू लिखा हुआ, आप लोग स्पेलिंग थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, इन टू 1.44 MB ऑफ डेटा बट नाउ नॉट यूज इन अ कंप्यूटर ऑफ टुडे। कहने का सेंस ये है कि बहुत ओल्डेस्ट टाइप ऑफ पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस, पोर्टेबल मीन्स दैट मूवेबल, कि कहीं भी हम आसानी से उस डिवाइस को ले जा सकते हैं, ले आ सकते हैं और यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसकी साइज बहुत कम होती थी 1.44 MB, और ये इस टाइम पूरी तरह से अब इसका यूज नहीं होता है, ये बंद हो चुका है, इसलिए बहुत ज्यादा यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं आपको मिल पाएगी, लेकिन मैं आपको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन दे देता हूँ बिकॉज कि मैंने उसको यूज किया है। वो एक्चुअल में 3 इंचेस और 4 इंचेस की होती है, ठीक है, और वो रेक्टेंगल में होती है, उसके बीच में सर्कल में एक प्लेटर लगी होती है जो कि प्लास्टिक के थिन मैग्नेटिक फिल्म होती है, ठीक है, जिसमें डेटा जाके स्टोर होता है, और उसकी साइज काफी छोटी होती थी। ठीक है, उसमें डेटा बहुत कम स्टोर होता, बिकॉज कि अब आप सोच सकते हो कि उसकी साइज ही कितनी होती है 1.44 MB, ठीक है, लेकिन उसमें क्या प्रॉब्लम होती कि वो करप्ट जल्दी होता था, मतलब वो प्लास्टिक की बनी होती थी और उसको सेफ रखना थोड़ा डिफिकल्ट था। ठीक है, नेक्स्ट वन हम लोग बात करते हैं हार्ड डिस्क। द हार्ड डिस्क मेमोरीज स्टोर इंफॉर्मेशन ऑन वन आर मोर सर्कुलर प्लेटर विच इज कंटिन्यूली स्पिनिंग। दिस रोटेटिंग डिस्क आर कोटेड विथ मैग्नेटिक मटेरियल एंड स्टैक विथ स्पेस बिटवीन देम। कहने का सेंस ये, हार्ड डिस्क इसमें हम लोग बहुत सारे इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। ये एक्चुअल में एक प्लेट होता है, हार्ड प्लेट होता है जो कंटिन्यू स्पिन करता है, रोटेट करता है, मैग्नेटिक होता है, वो मैग्नेटिक मटेरियल का बना होता है, और वहीं पे जाके रेड लेजर टच होता है, पॉइंट होता है, और वहीं से हमारा डेटा स्टोर होता है और रीड होता है। कहने का सेंस ये कंटिन्यू एकदम स्पिन करता रहता है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का है कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी। द कॉम्पैक्ट डिस्क आर सीडी ऑप्टिकल मीडिया। दिस सीडी आर रिलेटिवली चिप एंड हैव अ स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ, फिर से यहाँ पे एन टू लिखा है, एन टू याद रखिएगा, यहाँ पे एन टू लिखा हुआ है, यहाँ पे एन टू आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, 700 MB। तो ये कॉम्पैक्ट डिस्क, ये ऑप्टिकल मीडिया होता है, ये भी एक सर्कल टाइप में होती है, आप सारे लोगों ने देखा होगा, इसकी कैपेसिटी होती है 700 MB। ठीक है, उसी तरह से सेम एवरेज डीवीडी होती है, लेकिन ये सीडी से ज्यादा बेहतर होती है, 15 टाइम मच बेटर एंड 15 टाइम मच मोर डेटा होल्ड, है ना। डीवीडी भी ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस होती है, लेकिन इसकी स्टोरेज कैपेसिटी 4.7 GB होती है। ठीक है, इसमें दोनों में फर्क क्या होता है, और एक फर्क और भी होता है सीडी और डीवीडी में, कि इनकी जो कोट लेवल लेयर होती है दोनों में भी फर्क होता है, इसलिए आप सीडी में भी कोई मूवीज देखिए और डीवीडी में वही सी मूवीज को देखिए, दोनों में फर्क आएगा, डीवीडी की ज्यादा आपको क्लियर समझ में आए। क्यों? क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा लेयर की कुछ कुछ होगी कोटिंग,
उससे ज्यादा बेहतर उसमें डेटा स्टोर होता है। नेक्स्ट वन हम लोग बात करते हैं पेन ड्राइव, थंब ड्राइव, फ्लैश ड्राइव, ठीक है ना। इसको आप लोगों ने तो बहुत सारे लोगों के पास होगा भी, और बहुत सारे लोग अगर नहीं होगा तो वो लोग देखे भी होंगे। इट इज कॉल्ड यूएसबी मेमोरी, यूएसबी पेन ड्राइव, जो हम लोग लैपटॉप डेस्कटॉप में अपने पास रखे रहते हैं और जाके यूएसबी पोर्ट में लगा देते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं फ्लैश मेमोरी, थंब डिवाइस, आप पेन ड्राइव या की मेमोरी, है ना। ये सॉलिड स्टेट की बनी होती है, इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है ना, इसमें कोई ऐसा कोई मूविंग पार्ट नहीं होता। ये सर्किट पे होती है और यहाँ पे स्टोरेज कैपेसिटी उसके मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस लगी होती है, जिसके थ्रू वो डेटा को स्टोर कर सकता है और हम लोग आसानी से उसको कहीं भी ले जाके मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क डीवीडी की ही तरह होती है, लेकिन डीवीडी से ज्यादा सक्सेसफुल होती है। सक्सेसफुल ऐसे होती है कि इसमें ब्लू लेजर के थ्रू डेटा को रीड एंड राइट किया जाता है। इसमें साइज वही होती है, लेकिन इनकी स्टोरेज कैपेसिटी डीवीडी से बहुत ज्यादा होती है। ये इन दिस टाइम मार्केट में 25 GB से लेके 50 GB तक अवेलेबल है मार्केट में आसानी से, ब्लू रे डिस्क, ठीक है। और इसमें एक क्वालिटी और भी होती है कि डीवीडी तो थोड़ा स्क्रैच पड़ जाए तो वो करप्ट हो जाती है, लेकिन ब्लू रे डिस्क में अगर थोड़ा सा स्क्रैच पड़ जाए तो ऐसा जल्दी इसमें स्क्रैच पड़ता नहीं। अगर स्क्रैच भी पड़ जाता है ब्लू रे डिस्क में तो भी वो एक बार रन कर जाती है, वो डेटा को रीड एंड राइट में परमिशन दे देती है। नेक्स्ट वन हम लोग बात करते हैं मेमोरी स्टिक की। अ मेमोरी स्टिक इज अ टाइप ऑफ रिमूवेबल मेमोरी कार्ड दैट कैन कनेक्ट टू अ कंप्यूटर और अदर पीसेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट टू कंप्यूटर एंड स्टोर इंफॉर्मेशन। मेमोरी स्टिक मीन्स दैट कि जो हम लोग मेमोरी यूज करते हैं अपने कैमरास में, अपने मोबाइल फोन्स में, है ना, उसी मेमोरी के छोटे छोटे पार्ट की बात हो रही है, ठीक है। ये रिमूवल होती है, मतलब रिमूवल मतलब कि हम उसमें आसानी से मोबाइल फोन में निकाल भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं, ठीक है, कहीं भी उसको आसानी से मूव कर सकते हैं। उसमें भी हम लोग डेटा स्टोर करते हैं, उसमें भी ऐसा कोई मूवेबल पार्ट नहीं होता, वो भी सॉलिड स्टेट होती है, ठीक है। तो उसमें हम लोग डेटा इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं और आसानी से किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड स्टोरेज इज अ न्यूवेस्ट वे ऑफ स्टोरिंग फाइल एंड डेटा। द क्लाउड स्टोरेज इज अ मैकेनिज्म नॉट अ फिजिकल डिवाइस, फिजिकल स्टोरेज डिवाइस। कहने का सेंस ये कि क्लाउड स्टोरेज एक न्यू टेक्नोलॉजी है, न्यू टेक्नोलॉजी है डेटा को स्टोर, डेटा और फाइल को स्टोर करने का। ये कोई फिजिकल स्टोर डिवाइस नहीं होती, ये एक मैकेनिज्म मींस दैट एक सॉफ्टवेयर के थ्रू और हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन से कहीं एक जगह पे एक सर्वर बनाया जाता है और उसी सर्वर में जाके हमारा डेटा स्टोर होता है। इसके लिए हमको नेट की जरूरत है। इसका एक एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे से समझाते हैं कि इस समय सारे लोगों को, मोस्टली सारे लोगों के पास एंड्रॉयड फोन होगा। उस एंड्रॉयड फोन में आपको वो मिलेगा क्या कहते हैं, क्लाउड स्टोरेज का सेटअप मिलेगा, मींस दैट क्लाउड स्टोरेज का गूगल ड्राइव, ठीक है। गूगल ड्राइव आपको, ये क्लाउड स्टोरेज है, इसका हम लोग सॉफ्टवेयर अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल कर लेते हैं और ये हमको 50 GB मतलब 50 GB स्टोरेज फ्री ऑफ कॉस्ट देता है। तो कहीं ना कहीं इसका सर्वर तो बनाइए, लेकिन सर्वर बना के उसको प्रोग्रामिंग के थ्रू उसकी कनेक्टिविटी दे दिया गया और हम लोग नेट के माध्यम से उस डिवाइस का यूज करते हैं और अपने डेटा आप फाइल को स्टोर करा सकते हैं। अब बेनिफिट क्या होता है, बेनिफिट ये होता है कि ये जो हमारा सर्वर साइड स्टोर डिवाइस होता है, क्लाउड स्टोरेज होता है, ये न के बराबर करप्ट होने के और इसकी प्रोग्रामिंग न चांसेस पूरी, ऐसा ना हो कि ये फेल हो जाए या करप्ट हो जाए, ऐसा कोई चांस नहीं होता है। और हमारे मोबाइल फोन या अदर कोई डिवाइस इसमें चांसेस ज्यादा होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारी इंपॉर्टेंट जो डेटा होती है वो हम लोग क्लाउड स्टोरेज पे स्टोर कर देते हैं और वहां से कभी भी किसी भी हार्डवेयर डिवाइस के साथ में एक्सेस कर पाते हैं। नेक्स्ट वन है प्राइमरी स्टोरेज एंड सेकेंडरी स्टोरेज मतलब मेमोरी, इसके दोनों के बीच में डिफरेंट। तो चलिए वन बाई वन देख लेते हैं। प्राइमरी मेमोरी डायरेक्टली कनेक्टेड टू एक्सेस बाय द सीपीयू, है ना। तो ये क्या होता है, मदरबोर्ड डायरेक्टली कनेक्ट होता है, लेकिन सेकेंडरी स्टोरेज डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होता, वो वायर के थ्रू कनेक्ट होता है। प्राइमरी
वोलेटाइल नेचर होता है, मतलब बत्ती गुल है ना। सो सारा डेटा खत्म, टर्न ऑफ हुआ हमारा सिस्टम, सारा डेटा खत्म। ये नॉन वोलेटाइल होता है, मतलब एक बार जो डेटा स्टोर कर दिया वो स्टोर कर दिया जब तक हम यहाँ से डिलीट ना करें। ये डायरेक्टली एक्सेस करता है सीपीयू, क्यों? क्योंकि वो डायरेक्ट अटैच रहता है। ये इनडायरेक्टली एक्सेस करता है ये वायर के थ्रू, जब हमको जरूरत होती है किसी डेटा को तभी हम यहाँ से लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हम किसी भी एप्लीकेशन को ऑन किए वो डायरेक्टली एक्सेस हो जाता है। ये फास्टर होता है, ये स्लोअर होता है। क्यों फास्टर होता है? क्योंकि इनके पास लिमिटेड होती है, और लिमिटेड होने के साथ साथ प्रॉब्लम ये भी है कि ये रीड एंड राइट करते रहते, मतलब डेटा वहां से इरेज भी होता रहता है। और ये न्यूज प्रोसेसिंग डेटा कि किसी ये किसका यूज क्यों किया जाता है, किसी भी डेटा को प्रोसेसिंग करने के लिए। मीन्स दैट व्हाट? मीन्स दैट कि हमारा एप्लीकेशन रन कर रहा है, कितनी जल्दी से रन कर रहा है, तो वो हमारा प्रोसेसिंग हुआ। और यहाँ पे सेकेंडरी में क्या होता है, ये डेटा को स्टोर करने के लिए। लास्ट वन, इसकी साइज स्मॉल होती है और यहाँ पे साइज लार्ज होती है, ठीक है। सो आज के लिए हमारा ये वीडियो क्लियर हो गया। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। और मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे मैंने जितने भी सारे टॉपिक के डेफिनेशंस पूरा नोट्स दिया हुआ है, आप लोग इसी वीडियो से इसको पूरे नोट्स को आप कंप्लीट कर सकते हो। और अगर आपको इस टॉपिक में से कोई भी ऐसा पार्ट है इस चैप्टर से जो कि आपको ना समझ में आया, तो आप लोग डायरेक्टली मुझे कॉन्टेक्ट करके मेरे से पूछ सकते हैं, हम उसको फिर से एक्सप्लेन करके आपको बता देंगे। और बट मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आज का ये जो वीडियो है इसमें सारे टॉपिक को पूरी तरह से क्लियर हो गया है और आपको अच्छे से समझ में आएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।